प्रथम तहलका न्यूज। गुरुग्राम की पुलिस ने एक ऐसे साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जिसने सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए एक के बाद एक 3 हत्याओं को अंजाम दे डाला। हत्या का रास्ता भी इसलिए चुना क्योंकि वो अपने दोस्तों को ये साबित करना चाहता था कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। पकड़े गए किलर ने बीते नवंबर की 23, 24 और 25 तारीख को हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। अपराधी ने सेक्टर 47 में एक युवक की हत्या कर गर्दन धड़ से अलग कर दी थी और इसके अलावा भी 2 लोगों को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था। 26/11 को हमारे यहाँ सेक्टर 47 में एक गर्दन कटी डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास करने के बाद उसके पहचान हो पाई, क्योंकि उसके वहाँ कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में हमने मैसेज दिया, वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई और उसके बाद यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी गर्दन और उससे ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पाया था, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। और इस 26 की घटना से पहले 25 को भी और 24 को भी अलग अलग जगह पे सेक्टर 40 में और सेक्टर 29 के इलाके में भी एक एक डेड बॉडी चाकुओं से गोदी हुई मिली थी। तो जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बहुत ज़्यादा संख्या में हमने सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा, लेकिन कोई क्लू नहीं था और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर थे तीनों ही। तो हमारी क्राइम टीम पालम यार की इसमें ड्यूटी लगी और एसीपी साहब के स्पेशल आदेश थे इस मामले में कि भाई ये केसेस ट्रेस होने चाहिए, गरीब आदमियों की इस तरह से कौन आदमी हत्या करता जा रहा है। तो हमने इस पे विशेष प्रयास करने के बाद इसमें हमारी क्राइम टीम पालम यार को सफलता मिली और ये मोहम्मद रजी नाम का आदमी है, ये बिहार का रहने वाला है, पहले दिल्ली में काम करता था और इसको हमने अरेस्ट किया कल इफ्को चौक के पास से। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये तीनों ही मर्डर इसी ने किए हैं, सेक्टर 40 वाला भी, सेक्टर 29 वाला भी, और ये उनके साथ पहले बैठ के शराब पीता था और फिर चाकुओं से गोद के उनकी हत्या कर देता था और उनके सामान की तलाशी लेता था। पकड़ा गया मोहम्मद रजी नाम का अपराधी बिहार के अररिया जिले का है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले तक दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में हाउसकीपर का काम करता था। हालांकि 1 महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी। उसके बाद दोस्त चिढ़ाते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता और तेरा कोई वजूद नहीं है, जिसके बाद किलर ने अपना नाम बनाने के लिए ये हत्याएं की। पहले काम करता था एक जस्ट फॉर यू नाम का जो वो है गेस्ट हाउस, उसमें काम करता था और अब पिछले 1 महीने से वहाँ काम नहीं कर रहा था, ये अब ये यहाँ यहीं घूम रहा था। और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में इसका बिहार से हम पता कर रहे हैं भी, इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है क्या क्रिमिनल, अभी तक के जो इससे पूछताछ है उसमें इसने ये 3 मर्डरों के बारे में ही बताया है, बाकी हम उस पर भी जांच करेंगे और उसमें भी कोई चीज सामने आई तो उस पर भी कार्रवाई। पकड़ा गया किलर पहले तो कमजोर लोगों को ढूंढता था, फिर उनके साथ बैठकर शराब पीता और बाद में चाकू से वार कर उन्हें लूट लेता था। कुछ कर दिखाने की ललक में उसने इन हत्याओं को अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस इस सनकी सीरियल किलर को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है कि कहीं इस किलर का अन्य कहीं आपराधिक घटनाओं में रिकॉर्ड रहा है या फिर समाज में वजूद स्थापित करने के लिए ये सनकी किलर बना। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मनु मेहता की रिपोर्ट।